सुप्रिया जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लल्लू जी, सुप्रिया जी, AICC के सचिव और प्रदेश के प्रभारी धीरज गुजर साहब, हमारे मीडिया प्रभारी महोदय और पत्रकार बंधुगण, साथियों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं। कल गोरखपुर में जो ऐतिहासिक सभा प्रियंका जी की हुई, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर जो अपार जनसमूह एकत्रित हुआ, वो बहुत सारी चीज़ों का प्रतीक है। उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं जयपुर से आपके बीच लखनऊ आज आया हूँ। आप सबके संज्ञान में होगा, आज से 3-4 दिन पहले जो पूर्व CA जी हैं श्री विनोद राय, उन्होंने एक हलफनामा दिया है, एक एफिडेविट दिया है, जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि पूर्व सांसद श्री संजय निरुपम, जो उस समय PAC कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैंने मनमोहन सिंह जी का नाम मुझे हटाना चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर से। CA जी की वो चर्चित रिपोर्ट, और आप सबको याद होगा, एक ऐसी भ्रमित संख्या बल का उन्होंने विवरण किया उस रिपोर्ट के अंदर, जिसको किसी ने सही नहीं माना, लेकिन मीडिया के माध्यम से इतना जोर प्रचार किया गया, 1,76,000 करोड़ का संभावित घाटा, प्रेजम्प्टिव लॉस, उस संख्या को निर्मित करने में जिन जिन लोगों का हाथ था, और प्रवक्ता के रूप में जो विनोद राय जी ने पूरे देश भर में बखान उसका किया, और वो झूठे, बेबुनियाद और फरेबी तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से जो आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और UPA सरकार पर लगाए थे, और मुझे याद आ रहा है मनमोहन सिंह जी ने कहा था जब प्रधानमंत्री थे कि हिस्ट्री विल जज मी इन ऑल फेयरनेस, और आज उनकी कही हुई बात बिल्कुल सच आ रही है। स्पेक्ट्रम का कथित घोटाला, कोयले का कथित घोटाला, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, लोगों को भ्रमित किया गया, BJP उसके तमाम जो संगठन उसके साथ काम करते हैं, उन्होंने भ्रमजाल एक बनाया, देश के अंदर एक माहौल बनाया भ्रष्टाचार को लेकर। और आप सब जानते हैं कि OP सैनी जी की कोर्ट ने, अदालत ने, सब 1500 पेज का उनका जजमेंट है, उसको देखना चाहिए देश के लोगों को, उसमें लिखा है कि सरकार आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, किसी प्रकार का कोई घोटाला था ही नहीं। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ तो आरोप लगता है कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, आज मोदी साहब की सरकार को 7 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन 2017 में कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि किसी प्रकार का कोई घोटाला था ही नहीं। और आज विनोद राय साहब ने जो बोला है, इतने सालों के बाद मजबूरन कोर्ट कचहरी का जब दबाव पड़ा तो एफिडेविट लिखकर दिया है कि मैंने झूठ बोला था। इतना बड़ा हादसा देश में हो रहा है, उसका संज्ञान मैं समझता हूं सभी नागरिकों को, देशवासियों को लेना चाहिए कि ये आरोप की राजनीति, झूठ और फरेब की राजनीति, लोगों का चरित्र हनन करने की जो राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम सबको सचेत रहना पड़ेगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, और कहां है वो सब लोग जो उस समय उनका साथ देते थे। 1,76,000 करोड़ का जो घोटाला कहा गया था, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, और आज जो उस पूरे घटनाक्रम के मुख्य जो संचालक थे विनोद राय जी, उन्होंने आज लिखित में कहा, ये कोई उनकी बातों को ट्विस्ट किया गया या उनका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा नहीं है, उन्होंने लिखित में कहा है कि मैंने झूठ बोला था, और उस झूठ की बुनियाद पर इतनी बड़ी एक राजनीतिक इमारत खड़ी करी गई, UPA 2 मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने की। मैं उस सरकार का हिस्सा था, मैं टेलीकॉम का मंत्री था, राज्य मंत्री, और हम सब जानते थे उस टाइम दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में एक तरह का एक नेगेटिव कैंपेन चलाया गया। समय जरूर लगा साथियों, लेकिन सत्य को कुछ छिपा नहीं सकता और सच्चाई को दबा नहीं सकता। आज वो सच सामने आया है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि न सिर्फ विनोद राय जी, लेकिन तमाम वो लोग जो इस पूरी साजिश में लिप्त थे, उन्होंने आज माफी मांगी है कोर्ट से,
लेकिन इस देश ने जिस सरकार को चुनकर भेजा था, उस सरकार का और उस जनता का जो अपमान किया है, उसके लिए विनोद राय जी को, उनके साथियों को क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार का राजनीतिक दुरुपयोग किया गया उस पद का, और आपको याद होगा उस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट का जो स्पेक्ट्रम के जो ऑडिट करते थे, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट ही गलत है, उस व्यक्ति को विनोद राय जी ने निकाल दिया। और उसमें तीन संख्या दी गई थी, तीन फिगर दिए गए थे, कोई 30,000 करोड़ की का, अब काल्पनिक था। अगर ऐसा होता और अगर वैसा होता तो शायद देश को 3 लाख का नुकसान हो जाता। ये मनगढ़ंत कहानियां उन्होंने लिखित में दी, और आजकल कोई चर्चा नहीं करता, ना तो सीएजी के रिपोर्ट की चर्चा होती सदन के अंदर, ना पब्लिक डोमेन में होती है। लोकपाल है कि नहीं है, कौन बना, किसी को मालूम नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर तत्कालीन कांग्रेस और यूपीए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो मुद्दे आज लिप्त हैं। आज पेट्रोल और डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 125 की ओर जा रहा है प्रति लीटर, और कोई जिम्मेदार व्यक्ति भारत सरकार का कहने को तैयार नहीं है कि हम महंगाई को कम करेंगे, या जो जनता को आश्वासन दें कि आने वाले समय में हम इस पर कंट्रोल कर आएंगे। महंगाई तब डायन थी कांग्रेस के राज में, और आज जब महामारी फैलने के बाद जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, उद्योग बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, ऊपर से महंगाई आ रही है, 950 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, कोई व्यक्ति कहने का तैयार नहीं बीजेपी का कि भाई हम जिम्मेदार हैं, हम भविष्य में इसको नियंत्रण में लेकर आएंगे। आश्वासन तो दें, चाहे झूठे ही सही। ये मुद्दे आज रेखांकित करने के लिए प्रियंका जी, राहुल गांधी, हम सब लोग, कांग्रेस के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसलिए नहीं कि यूपी में चुनाव है, देश भर में, मैं कई राज्यों में गया हूं, मेरे प्रदेश में हमने चर्चाएं बहुत करी हैं, लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, निजात चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आगामी महीनों में चुनाव होंगे, और इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, अच्छे परिणाम आएंगे, और बदलाव यूपी के लोग चाहते हैं। जनता जनार्दन है, कोई भी नेता कितना बड़ा भी हो समझे कि जनता की वोट हमारी जेब में है, तो वो घमंड और अहंकार की राजनीति बहुत लंबी चलती नहीं है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, उसके बाद क्या हो रहा, आप सब जानते हो। कानून को ताक पर रखा गया, और उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस हमेशा कानून के दायरे के बाहर करने की आदी बन चुकी है। इसमें कुछ लोगों को मजा आता है, उनको दबंगी दिखती है, लेकिन जनता चाहती है हमारी नौकरियां मिलें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे रोजगार उत्पन्न हो, उद्योग लगे, विकास हो, हम लोग विकसित होकर आगे बढ़ सकें। लेकिन इस प्रकार की जो बांटने की राजनीति है, वो हावी होती जा रही है। उसको रोकने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए नारे नहीं, जुमले नहीं। आज इस महीने 1 साल हो जाएंगे किसान आंदोलन को। ये 3 काले कानून जो हमारे सर पर एक काला टीका लगा रखा है बीजेपी की सरकार ने, इसको वापस क्यों नहीं लेते? पहली बार हमने देखा है 1 साल तक लोग आंदोलित हैं, कोई चर्चा का मतलब नहीं। इतना अड़ियल, जिद्दी और एक घमंड का जो एटीट्यूड है, उससे लोग अब परेशान हो गए हैं। 7 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है, और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में है। अब कब तक आप पिछली सरकारों को कोसते रहेंगे? ये मनमोहन सिंह जी की गलती थी, ये पिछली सरकार की गलती थी। आप ओन अप करिए, आपकी जिम्मेदारी है, पूर्ण बहुमत है, और पारदर्शिता से काम करिए। आप सदन में चर्चा करते नहीं, मीडिया का जवाब देते नहीं, लोगों से संवाद का मतलब ही नहीं, सिर्फ एक तोड़ने की राजनीति को आप बखान कर वोट बटोरना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, धीरज जी, प्रियंका जी, पूरी टीम उत्तर प्रदेश की बहुत मजबूती से धरातल पार काम कर रही है। और बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में तख्तापलट होगा, बीजेपी का सरकार जाना तय है, कोई कितने भी घमंड में हो, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति की सीमाएं होती हैं। हमने बंगाल में देखा, हमने बाकी राज्यों में देखा, बिहार में हमने देखा जो भाषण दिए गए भाजपा के नेताओं के माध्यम से, वो सब पूर्ण विराम लगने वाला है, और बहुत जल्द यहाँ बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग यहाँ पर मजबूती से आगे आएंगे। और विकल्प देने के लिए अगर आज कोई विपक्ष में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर कोई दल और नेता है, तो प्रियंका जी हैं और कांग्रेस पार्टी है। इस बात का लोगों ने अब एहसास किया है, और जो 2 रैलियां हुई हैं उसके बाद बहुत से लोगों की जो धारणा बदल रही है। अब अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि आने वाले दिनों में और बड़े आयोजन हम लोग करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश राज्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के लोग सचमुच अब परेशान हो चुके हैं, सबको उन्होंने देख लिया, अब आने वाला समय कांग्रेस का है, ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं इसलिए आपके बीच में विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा नहीं हो रही है। जब आरोप लगते थे तो रोज अखबार भरे रहते थे, अब जब कहा गया कि हमने आरोप झूठे लगाए, शपथ पत्र दे रहे हैं कि भाई हमने गलत बोला था, हम माफी मांग रहे हैं,
अब कोई जवाबदेही नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रही, तो ये जो विरोधाभास है इसको दूर करना पड़ेगा और हम सब कांग्रेसी और बाकी लोग जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को लेकर जाएंगे ताकि लोगों को एहसास रहे कि तब क्या बोलते थे अब क्या बोल रहे हैं। हर चीज पर साथियों मैं विवरण करूंगा, बहुत समय लग जाएगा। जीएसटी का विरोध किया, आज पक्ष में है। आधार कार्ड का विरोध किया, आज पक्ष में है। भारत और अमेरिका के न्यूक्लियर का विरोध किया, आज उसके पक्ष में है। हर चीज, नरेगा का विरोध किया, आज मजबूरन करना पड़ रहा है। हमारे समय जो कानून बने, नरेगा का कानून बना, खाद्य सुरक्षा का कानून बना, शिक्षा का कानून बना, सूचना का अधिकार का कानून बना, और इनके काम टाइम में क्या कानून बन रहे हैं? कभी सीए बन रहा है, कभी कानून, कृषि कानून, तीनों जो बने हैं वो किसानों के खिलाफ बन रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में किसान की आमदनी दुगना करने का वादा कर चुके हैं। दुगनी तो छोड़ दीजिए, जो लागत है, जो खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की लागत आ रही है, उसका भुगतान भी नहीं कर पा रही सरकार। मंडियों पर लाइन लगी पड़ी है, खाद मिल नहीं रहा, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, किसान बेहाल है, परेशान है, और परिवर्तन की दिशा में बहुत मजबूती से बढ़ रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ये भी समय समय पर जनता के बीच ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी को लेकर आज मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आया था और पीसीसी के अंदर हमने इस बात को रखा। जो कल बात प्रियंका जी ने बोली, चाहे 3 गैस सिलेंडर की हो, चाहे वो लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने की हो, चाहे पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि महिलाओं का हम आगे लेकर जाएंगे, और ये छोटे मोटा निर्णय नहीं साथियों, 40% टिकटों का आवंटन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में करना, मैं समझता हूँ बहुत साहसिक कदम है। और मुझे लगता है महिलाओं के साथ साथ युवाओं पर भी पूरा फोकस रहेगा। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा लगभग 7 साल। वहाँ पर जब हमारे स्थानीय चुनाव आए थे, विधानसभा में नहीं कर सका, लेकिन जो स्थानीय चुनाव थे वहाँ पर हमने नारा दिया था कि 40% टिकट हम देंगे 40 वर्ष के कम आयु के लोगों को, हमने करके दिखाया था। और आज महिलाओं को जो किया है उसका देखा देखी बहुत लोगों को उसका इसको फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन एक साहसिक कदम प्रियंका जी ने लिया और जो भाषण कल दिया है, मैं समझता हूँ उन्होंने सच्चाई का बखान किया। और जो संकल्प कांग्रेस ने, जो प्रतिज्ञा यात्रा निकल रही है, उसमें जो वादे हम करते जा रहे हैं उसको पूरा करेंगे, पहले कर दिखाया है। यही कांग्रेस की धारणा और सोच है। मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताना जरूरी था, इसलिए आज हाजिर हुआ। आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो मैं जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। कि उनके अंदर की राजनीति क्या है मुझे पता नहीं, कि केंद्र की सरकार योगी जी के पक्ष में है या विरोध में है। जो अखबार में खबरें आती हैं कभी कभी उसमें लगता है कि कुछ प्रतिस्पर्धा भी है, कुछ असुरक्षा का माहौल बन रहा है, वो उनका अंदरूनी विषय है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन मोटी बात यह है कि केंद्र में सरकार पूर्ण बहुमत की है 7 साल से। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलकर 300 सीट लेकर बीजेपी आई थी। जब लखनऊ दिल्ली में आप दोनों की सरकार है तो फिर जनता परेशान क्यों है, हर चीज़ की किल्लत क्यों है? कोयला मिल नहीं पा रहा, खाद मिल नहीं पा रहा, बिजली कटौती होती है, और जो लगातार घटनाक्रम हुए महिलाओं के साथ जो हो रहा है, और केंद्र के मंत्री जो उनके पुत्र जो आरोपी हैं उनका इस्तीफा अभी तक सरकार ले नहीं रही, मतलब ये कहाँ की नैतिकता है? आप वेट करो कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक हम उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। तो राजनीति में कानून और संविधान से अलावा एक नैतिकता भी होती है, उस नैतिकता का पालन करते हुए बहुत जल्द इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अब नहीं ले रहे हैं तो ये घमंड और जिद्दी है भाई, एक इस्तीफा लेने से कोई सरकार तो गिर नहीं जाएगी। लेकिन जब तक आप कोर्ट में केस चल रहा है, उसी मंत्रालय के आप मंत्री हो, न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लोगों को जो परसेप्शन है, और पर गलत परसेप्शन नहीं है, जिस मंत्रालय का हम मंत्री हैं उसी की जांच हो रही हो तो वो कहाँ निष्पक्ष हो पाएगी? और अगर निष्पक्ष होती भी तो लोगों को विश्वास नहीं हो। राजनीति में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास अगर टूट रहा है तो उसको कायम करने के लिए उनके जमान का कुछ इकबाल तो रहना चाहिए। अब वो गृहमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, हमें वो अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो काम किया पिछले 4 साल, उसका एक श्वेत पत्र जारी करें ना, जनता को बताएं कि भाई ये खाद का दाम है, इतना शुगर मिल हमने चालू करी है, इतना गन्ने के भुगतान हम लोग कर रहे हैं, कितने दिनों तक कर पा रहे हैं। तो एक वाइट पेपर जारी करें, बताएं जनता को क्या काम किए हैं। एक एक करके अगर पूछ ले तो कि राजनीति में कोई अगर किसी से मिल लेता है तो उसके पॉलिटिकल मायने नहीं निकालने जाने चाहिए। हम लोग तो हमारी जितनी 400 सीटें हैं हर एक सीट पर मेहनत कर रहे हैं, संगठन बूथ स्तर, पंचायत, जनपद तैयार कर रहे हैं, और हमारा जो पिछले साल 2 साल की मेहनत है, संघर्ष हमने किया,
और प्रियंका जी ने ठीक कहा साथी, आप बताओ जब इस प्रदेश में दुष्कर्म हो, किसी को मारा जाए, बलात्कार किया जाए, पीड़ित हो, दलित हो, गरीब को भी हो, उस व्यक्ति के आंसू पहुंचने के लिए कौन सा दल सामने आया? जो प्रमुख दल यूपी के हैं विपक्ष के, वो तो बाहर निकले नहीं घर से। कांग्रेस और प्रियंका जी सामने आई, हमारे अध्यक्ष जी गए, हमारे नेता कांग्रेस के गए। तो बड़ा, जब लखीमपुर खेरी में प्रियंका जी जा रही थी, तो जिन्होंने अपराध किया उनको तो आप पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और जो अपराधी, अपराध करने के बाद जो विक्टिम की फैमिली है उसके आंसू पोंछने जा रहे हैं, उसको आपने नजरबंद किया 4 दिन के लिए, बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी FIR के। तो ये जो तरीका काम करने का है, ये मैं समझता हूँ जनता के गले उतर नहीं रहा। और राजनीति में हमारा घर मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, और मुलाकातों पे बहुत ज़्यादा उसका निष्कर्ष निकालना मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी हुई। एक एक करके सवाल लीजिए प्लीज, बोलिए, आप बोलिए। आ रहे हैं आप लोग, बहुत लंबे समय से इस गणित में, जोड़ भाग में लगे रहते हैं। अभी जात किसकी, धर्म किसका, गोत्र किसका, हम सब बराबर के नागरिक हैं। और जनता जब बदलाव चाहती है, और बदलाव में जो सबसे मजबूत विकल्प दिखेगा जनता उसको वोट करेगी। हम लोग विकल्प बनकर सामने उभरे हैं, और जैसे मैंने कहा, जो प्रमुख दल भाजपा के अलावा जो विरोधी दल हैं, वो दोनों दलों ने पिछले 5 साल में कोई ऐसा काम किया हो कि जनता की मांग को लेकर सड़कों पर आए हों, कल धरना, प्रदर्शन, पदयात्रा, भूख हड़ताल, घेराव, कुछ किया हो? किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ही है जो हर समय प्रमुखता से लोगों तक पहुंची है, और जनता को इस बात का एहसास है। लोग आज डर के मारे मुंह से ना बोले, लेकिन जानते हैं कि प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दुख दर्द में हमारा साथ देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि भाजपा का जो एजेंडा है बड़ा स्पष्ट हो गया है। उनको 4-4.5 साल का जो काम है उस पर भरोसा नहीं है, उनको तो बस धार्मिक विभाजन कैसे हो और ध्रुवीकरण कैसे हो, और इसी जुगाड़ में सुबह शाम वो लगे रहते हैं। हर चीज़ आप देख लीजिए, उनका करना, कहना, सुनना, चलना सब उसी लाइन पर चल रहा है। और मुझे इस बात की आशंका भी है कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो ध्रुवीकरण है उसको और गति मिलेगी।